सो वेलकम बैक टू माई चैनल। ये थर्ड साल था मेरा इंटोबर का एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द स्केच बुक टूर काइंड ऑफ वीडियो कि मैंने ये साल क्या किया इंटोबर में, मुझे कौन सा पीसेस अच्छा लगा, अभी एक महीने बाद मैं वापस फ्लिप कर रहा हूँ तो कौन सा पीसेस मुझे अच्छा लग रहा है एंड कौन सा पीसेस के साथ मैं हैप्पी नहीं है उतना एंड आई फील लाइक आई कुड हैव डन मच बेटर। सो लेट्स गो थ्रू। तो पहला तो प्रॉम था फिश और मुझे ऑर्डिनरी फिश नहीं ड्रॉ करना था। सो आई केम विद दिस आइडिया रात को सोते समय कि सम काइंड ऑफ वॉरियर रहेगा जो सॉफ्ट फिश जैसा दो वेपन्स रहेगा उसके हाथ में। सो आई केम विद दिस ओशियन मास्टर काइंड ऑफ डिज़ाइन जिसका आर्मर भी उससे इंस्पायर्ड है थोड़ा बहुत। इसका देखोगे मुझे लगता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा मिस्ड हो गया। देन द विस्प था, विस्प में मतलब टैंगल हुआ है बहुत सारे रस्सियों से एंड ऑल दोस। तो मैंने डिसाइड किया आई विल मेक दिस फॉरेस्ट एंटिटी लाइक ग्रीन ड्रैगन विच इज़ मेड आउट ऑफ ट्री ब्रांचेज विच इज़ देयर टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम आउटसाइड थ्रेट। Then this is a bulky. I don't really remember what kind of story I came up with for this one. So basically क्या होता है, मैं हर एक जो prompt रहता है उसके लिए character या फिर कुछ बनाता हूँ vehicle वगैरह उसके पीछे मैं story के साथ आता हूँ। आप वो story मेरे Instagram पेज पर चेक कर सकते हो डिटेल में कि क्या है। This is one of my favorite piece for this Inktober radio. So basically क्या है, this is a robot developed by German for World War I to patrol around their borders. So अभी ये माफिया लोग यूज़ करते हैं टू सर्वे अराउंड देयर हाइड आउट्स। सो क्योंकि ये बहुत चिप है अगेंस्ट, ये फिर भी इतना ओल्ड हो के एक्यूरेट है और इसका मेंटेनेंस बहुत कम है, इसीलिए दिस आर यूज बाई माफिया टू पेट्रोल अराउंड देयर हाइड आउट्स। सो फिफ्थ प्रॉम्प्ट था ब्लेड। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं एक राइनो बनाऊंगा जिसका सिंग रहेगा ब्लेड का, बट देन आफ्टर आई केम विद दिस डीमन नाइट विच इज़ देयर टू रिबेल अगेंस्ट डीमन किंग और उसका जो ब्लेड से वो हेल के फायर से ही बना हुआ है पूरा, उसके फोरआर्म्स पे है वो, उसमें फोर्ज्ड हुआ हेल का फायर विच कैन कट थ्रू एनीथिंग। सो रोडेंट, सो मुझे इसमें अच्छा लगा ये पार्ट की मैंने इसको सोल्जर का आउटफिट दिया एंड ऑल दोस कि वो अच्छे से कैप्चर हुआ, पर इसका जो आउटपुट है वो अच्छा हो सकता था। मुझे लगता है इसका जेस्चर थोड़ा चेंज कर देता, पोज थोड़ा अलग कर देता तो काफ़ी अच्छा लगता था, काफ़ी कूल भी लगता था। देन था फैंसी। सो मुझे ये काफ़ी गर्ली लगा पहले और मैं इतना गर्ली आइडिया नहीं ड्रॉ करता, आई एम सॉरी टू से दैट। मेरे दिमाग में था कि कुछ तो ड्रॉ करो अच्छा सा आर्मर जैसा। सो आई एंटरटेन द आइडिया ऑफ नाइट इन अ शाइनी आर्मर की जगह मैंने नाइट इन अ फैंसी आर्मर बनाया। इसके लिए उसके अराउंड दो रोज है और उसका आर्मर पूरा उसके आर्म्स के अराउंड रैप्ड है ऐसा बनाया। उसके पीछे सॉलिड कलर देखोगे आप तो वो भी हार्ट के शेप में रहेगा। देन द 8th, मुझे अच्छा लगा काफ़ी ये पीस जैसा टर्नआउट हुआ है। सो पहले मैं एक वेनम जैसा क्रिएचर ड्रॉ करने वाला था, देन आई स्विच टू ड्राइंग द टी रेक्स। उसके पीछे आप सॉलिड कलर देखोगे तो वो भी रेड कलर है विच इज़ रिप्रेजेंटिंग अ डेंजर। उसके अंदर का फ्लो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो इमोशन रिप्रेजेंट करता है। आई लाइक दिस डिज़ाइन एंड दिस आइडिया ओवरऑल। वो सॉलिड रेड भी बहुत अच्छा पॉप दे रहा है उसको। देन था 9th रो। सो मैंने इसमें एक वाइकिंग लीडर बनाया हु इज ट्रिक्ड बाय द डीमंस एंड द गॉड्स एंड ही लॉस्ट हिज एंटायर आर्मी इन दैट। सो वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने स्पीयर थ्रो किया। सो आई एंटरटेन द आइडिया कि पहले हेवन और हेल साइड बाय साइड रिसाइड करते थे। सो जैसे उसने थ्रो किया स्पीयर विच डिवाइडेड हेवन एंड हेल इट्सेल्फ और हेल नीचे गया उसके वजह से और हेवन ऊपर है अभी भी स्काई में। सो दिस इज द 10th प्रॉम्प्ट होप
आई वॉज टायर्ड फ्रॉम ऑल द डे एंड मुझे कुछ अच्छा आइडिया भी नहीं आ रहा था. सो सुपरमैन बींग द सिम्बॉल ऑफ होप मैंने सुपरमैन ड्रॉ किया. अगेन वो ड्रॉ करके भी मुझे उसका एनाटॉमी इतना अच्छा नहीं लगा. देर इज लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दिस एनाटॉमी. 11th प्रॉम्प्ट था डिस्गस्टिंग. सो आई इमेजिन द प्लैनेट जहाँ पे हेट्रेड बहुत बढ़ गया है एंड इतना ज़्यादा डेंस हो गया है हेट्रेड दैट उसका एम्बॉडीमेंट हो गया है एक क्रिएचर में एंड डैट क्रिएचर्स का एक ही गोल है टू एनाइलेट ऑल द इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑन दैट प्लैनेट. और मुझे अच्छा लगा काफ़ी. स्कॉर्पियन है वो मेरा एक इंस्पिरेशन था इसमें. अब उसके पीछे का सॉलिड ड्रॉप देखोगे तो वो भी एक पॉइजन जैसा है. वो डार्क पर्पल उसका शेप भी वैसा है. देन 12th था स्लिपरी. मुझे इधर ये फ्लो बहुत अच्छा लगा एंड आई फील लाइक वो ज़्यादा राउंडर होता तो और अच्छा लगता था. सो दिस इज़ अ गॉब्लिन नाइट जो उसके अपने हैंड्स के और पैर से एक स्लाइम प्रोड्यूस करता है जिसके ऊपर वो स्लाइड कर सकता है एंड कंबाइन दैट विथ हिज स्वॉर्ड बिल्डिंग स्किल्स ही इज़ अ फॉर्मिडेबल फो. अभी मुझे इतना डिटेल में स्टोरी याद नहीं है कि मैंने किसके लिए क्या दिया था क्योंकि अभी एक महीना हो गया अराउंड इंक्टोबर के लिए. सो 13th था ड्यून विच इज़ रेत का टीला जो डेजर्ट में रहते हैं. सो बेसिकली मैं एक वो टीला ड्रॉ करके आई कुड हैव डन दैट बट मैं सोचा इसके बारे में. सो आई केम विद दिस ड्यून राइडर विच इज़ मेड आउट ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्रैश्ड हेलीकॉप्टर्स इन द डेजर्ट एंड कार्स एंड जो भी कुछ चीज़ें मिला है लाइक वो मिसाइल यूज़ किया एज अ गैस टैंक. मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये आइडिया दैट कंबाइन दिस डिफरेंट शील आउट ऑफ हेलीकॉप्टर विद द कार व्हील्स. काफ़ी अलग शील आउट तैयार होता है उसकी वजह से. इंटरेस्टिंग शेप लाइन. देन आई एम 14th आर्मर. सो आई केम विद दिस आइडिया दैट गॉड डोंट हैव अ टाइम टू डील विद ऑल द स्टफ. सो ही क्रिएटेड एन इंटेलिजेंट आर्मर फॉर प्रोटेक्टिंग द सोलर सिस्टम. सो उसके पीछे आप बैकड्रॉप भी देखोगे जो ब्लू है सॉलिड ब्लू वो भी उसके हेड का जो फ्लो है उससे सिमिलर है बहुत. वो भी ऐसा काइंड ऑफ एंटी ग्रेविटी काइंड ऑफ चीज जैसा वो रिप्रेजेंट करता है वो फ्लो. सो आई लाइक दिस आइडिया बट ये इसका एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छा हो सकता था. 15th आउटपोस्ट. दिस इज़ वन ऑफ माई हेटेड पीस. मैंने इसमें ज़्यादा रफ ड्राइंग्स भी नहीं किया था अच्छे से स्ट्रक्चर भी नहीं किया था. मैंने डायरेक्टली पेन उठाया और उसके साथ ड्रॉ करना चालू किया थोड़ा रफ ड्राइंग करने के बाद. ये काफ़ी अच्छा आइडिया हो सकता था. आई मीन लाइक एक आर्मी का आउटपोस्ट है विच वॉज अटैक बाय एन एलियन डीमन काइंड ऑफ थिंग लाइक डूम काइंड ऑफ स्टफ. इसका एग्जीक्यूशन अच्छा होता तो बहुत अच्छा लगता मुझे. काश ऐसा होता है अप्स एंड डाउन्स. 16th रॉकेट. इसके बारे में मेरा कुछ भी ओपिनियन नहीं है. आई एम वेरी न्यूट्रल अबाउट इट. लाइक मैं उसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग भी कर सकता था लाइक मेकिंग रादर देन मेकिंग अ रॉकेट कार आई कुड हैव क्रिएटेड अ रॉकेट मेक विच वॉज मोर इंटरेस्टिंग देन मेकिंग अ रॉकेट फ्यूल्ड कार बट इट्स ओके आई डोंट हेट इट. 17th स्टॉर्म. सो आई वॉज एंटरटेनिंग दिस ग्रीक गॉड आइडिया फॉर दिस दैट गॉड ऑफ स्टॉर्म. उसके पीछे का सॉलिड ड्रॉप देखोगे वो भी ब्लू है और वो भी थंडर का है लाइक क्रिस क्रॉस है थोड़ा वो फ्लो में. सो वो रिप्रेजेंट करता है लाइक वो एक अच्छा सा सबकॉन्शियस कुछ चीज़ें एलिमेंट्स ऐड करता है. आई फील लाइक दैट. सो आई ट्राई कि वो पीछे का कलर है और उसका जो शेप है वो भी काफ़ी कैरेक्टर को कॉम्प्लीमेंट करे एक्चुअली इलस्ट्रेशन को. 18th था ट्रैप. सो आई मेड दिस डायनासोर काइंड ऑफ क्रिएचर. एक प्लानट है जिधर एक अल्टरनेट रियलिटी है जिधर डायनासोर्स और ह्यूमंस साथ में को एग्जिस्ट करते हैं जिधर एक्सटेंशन हुआ नहीं है और उधर के डायनासोर अलगली इवॉल्व हुए हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमंस. वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी बन गए ह्यूमंस को हंट करने के लिए. सो उसके पीछे का बैकड्रॉप देखोगे जो है वो भी एक प्लांट का लीव्स को रिप्रेजेंट करता है विच गिव्स एन आइडिया कि वो हाइड करता है प्लांट में और वो कार्निवोरस प्लांट का जो टीथ है उससे वो हंट करता है ह्यूमंस को.
नीचे जो स्कल ऐड किया है मैंने ह्यूमंस का, वो भी नाइस टच ऐड हुआ है उसके वजह से। 19th था डीजी, सो बेसिकली मैंने इमेजिन किया एक स्पेसशिप है जो एक रेस में, सोलर सिस्टम में एक रेस चालू है, इंटरगैलेक्टिक रेस चालू है, और उसमें एक रेसर है वो ब्लैक होल में अटक गया। ही लकीली ही इज़ एबल टू एस्केप बिकॉज ऑफ हिज गुड ग्लाइडिंग राइडिंग, क्या करते हैं आई डोंट नो, उसके फ्लाइंग स्किल, उसके वजह से वो निकल गया। देन है 20 कोरल, सो मैंने एक वेल ड्रॉ किया जो रेडियो एक्टिव हजार्ड है उसके वजह से म्यूटेट हो गया और उसके ऊपर ही कोरल ग्रो करने चालू हुए हैं। सो आई ड्रू दिस म्यूटेटेड वेल काइंड ऑफ स्टफ। This is the head tech with this is why I hated my introvert. 21 sleeve, blind kind of warrior, काफ़ी ordinary idea था, अच्छा नहीं लगा मुझे। 22 chef, this is kind of interesting, so I was thinking of making a chef like who is like a warrior. So ये chef का story क्या है, ये पूरा world में travel करता है एंड वो जो ट्राइब्स के जो स्पेशल रेसिपीज़ है वो सीखता है और उसमें जो होली इंग्रेडिएंट्स है, होली ग्रेल्स है इंग्रेडिएंट्स का, वो अचीव करता है। उसके लिए उसको कुछ बहुत सारे एडवेंचर्स पे जाना पड़ता है। वो कंप्लीट होने के बाद वो बुक लिखता है, नोट्स बनाता है, बुक लिखता है और वो बेच के उसके पास जो पैसा आता है उससे अगेन वो ट्रैवल करता है बहुत। सो ही इज़ अ पॉपुलर शेफ एज वेल एज अ राइटर। उसका काम ही यही है कि उसके नोट्स बनाना और उसके एडवेंचर्स के बारे में स्टोरी लिखना, वो पब्लिश करना और वही बुक से पैसा कमा के वापस ट्रैवल करना। 23 रिप। सो ये पीस तो काफ़ी अच्छा लगा एज मेरे पास बहुत टाइम था, पर उसका हाथ में बहुत गड़बड़ हो गया लेफ्ट वाले। मुझे अच्छा लगा पर इसमें जो डिटेल्स वगैरह ऐड किया है मैं, इसका कंपोजिशन भी इंटरेस्टिंग था। उसके पीछे का आप देखोगे ट्राइंगल है सॉलिड ड्रॉ, वो भी ग्रीम रिपर के हुडी जैसा है वो ट्राइंगल। तो दिस इज जस्ट मी शेयरिंग माई ओपिनियन एंड थॉट दैट वॉट आई हैव डन ऑन दिस इंक्टोबर। उसका जो एंड है वो भी आई वॉज लाइक रिंग जैसा बनाया गले में पकड़ने के लिए लोगों को। 24 डिक, सो दिस इज अ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट विथ एनिमल बायोलॉजी एंड कुछ तो गड़बड़ हो जाता है उसके वजह से। ही इज़ एक्सपेरिमेंटिंग विद आर्मडिलोस, उसमें वो एबिलिटी आ जाते हैं तो उसने उसके अराउंड उसका आर्मर भी बनाया है। 25 बड़ी, सो आई वॉज थिंकिंग क्या बनाऊँ, सो आई वॉज केम विद अ डॉग इज अ मैंस बेस्ट फ्रेंड। सो मैंने एक डॉग बनाया आर्मी डॉग, पर आई डोंट लाइक द एग्जीक्यूशन एट ऑल। उसके पीछे का जो कलर ड्रॉप है वो भी उतना पॉप नहीं दे रहा है। 26 हाइड, सो आई मेड दिस रोनिन जिसका फैमिली उसके सामने किल कर दिया, सो ही बचपन में ही एक एम्परर ने, सो ही बिकम द स्किल स्वॉर्ड्समैन। सो ही इज़ एबल टू टेक एंटायर आर्मी डाउन बाय हिज ओन, और उसके भी उसके जो किमोनो है उसमें जो फ्लो है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके पीछे आप देखोगे जो सॉलिड रेड है वो जापान में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, रेड सर्कल। ओवरऑल काइंड ऑफ लाइक दिस पीस। 27 म्यूजिक, सो दिस इज़ अ म्यूजिक कैनन, इट डजेंट शूट साउंड वेव्स, इट शूट्स मेलेडी, और वो धीरे से किल करता है, काफ़ी बहुत धीरे से किल करता है अपोनेंट आर्मी को, धीरे धीरे धीरे, इतना धीरे कि उनको पता भी नहीं चलता। सो इसके ऊपर रिसर्च चालू, तो हाउ टू टैकल दिस वेपन। 28 फ्लोट, सो आई मेड दिस फ्लोट स्लाइडर, और उसके ऊपर एक एयर बलून है जिसके वजह से इतना वेट और फ्रिक्शन नहीं होता ग्राउंड पे, एंड इट इज़ एबल टू फ्लोट एंड स्लाइड ऑन स्मूथ सरफेस लाइक रोड, ग्रास फील्ड्स, डेजर्ट्स, आइस, ये चार पाँच टेरिन में, हवा क्राउड जैसा चार पाँच टेरिन में बहुत अच्छे से काम करता है ये व्हीकल। उसके पीछे का सॉलिड ड्रॉप देखोगे तो वो भी एक ब्लू कलर का है, स्प्लैश जैसा। And the 29th shoes, so I made this, और मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा ये पीस ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसका एनाटॉमी, जेस्चर्स, पर्सपेक्टिव में इशूज़ है बहुत ज़्यादा,
सो दिस इज़ अ रेस जिसमें आप ऐसा कौन सा भी इंस्ट्रूमेंट जो आपका एबिलिटीज 20% बूस्ट करता है वैसा आप यूज़ कर सकते हो. सो दिस गाय इज़ यूजिंग अ स्लाइड नेम स्लाइडर यूजिंग अ शूज दैट गिव्स हिम द बूस्ट. थर्टी ओमिनस. सो इसमें आई मेड दिस हिडन ट्रेजर एंड लॉस्ट लॉट्स ऑफ वंडरिंग सोल लॉस्ट सोल्स केम देयर टू इन ड्रिवन बाय द ग्रीड उधर आते हैं वो ट्रेजर को ढूंढने एंड एक्सीडेंटली दे ओपन दिस हजार्डस थिंग फॉर आवर वर्ल्ड. 31 क्रॉल. सो दिस इज बेसिकली अ जर्मन टैंक विच आई मेड एंड आई वॉज थिंकिंग कि इसका फंक्शनलिटी कैसा होगा एंड ये क्रॉलिंग टैंक क्यों बनाया. सो अगर आपको एक स्नेक अटैक करना है आर्मी के ऊपर कौन सा आर्मी ट्रूप्स के ऊपर तो और इन आपको बहुत ज़्यादा फायर पावर चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो. पर इसका ड्रॉबैक क्या है क्या ये बहुत स्लो है तो इसको जहाँ पे आपको अटैक करना है उसके 2-3 किलोमीटर दूर से आपको एयरप्लेन से ड्रॉप करना पड़ेगा एंड ये नाइट में ये क्रॉल करके वो आप आर्मी ट्रूप्स के ऊपर अटैक कर सकते हो इसके साथ. सो नाइट में इतना नोटिस भी नहीं होगा स्निकी. सो आई मेड दिस एंड दिस इज़ द एंड ऑफ इंक्टोबर फॉर दिस ईयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. Peace.